मेरे इस चैनल पे आप नए आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में लगे बेल आइकन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेवन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में वृषभ राशि वाले जातकों का सितंबर 2018 का भविष्य फल बताऊंगी। दोस्तों, यह महीना आप लोगों के लिए बहुत ही खुशियां मिलने वाली है। ज्योतिष गणना बता रही है कि ग्रहों की स्थिति सितंबर महीने में इनकी बंद किस्मत खोलने वाली है। इस राशि के लोगों को इस समय महीने में सारे बिगड़े हुए काम आपके बनने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही स्थिति अच्छी बन रही है गोचर में ग्रहों की। तो हम गोचर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको राशिफल बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 16 सितंबर तक चौथे भाव में रहेंगे, जो कि आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। और आप यदि भूमि भवन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो इस महीने आपका यह सपना पूरा होने के पूरे योग बन रहे हैं। आप कोई नई वाहन भी खरीद सकते हैं इस महीने में। सूर्य ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर बढ़ रही है, तो आपको व्यापार में भी इस समय बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके जो भी रुके हुए कार्य थे पिछले महीने, या फिर आपके कोई कार्य बिगड़े हुए थे, तो इस महीने उनके पूरे होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके लिए बहुत अधिक योग कारक सिद्ध होने जा रही है। इस महीने में व्यापार क्षेत्र में धन लाभ की पूरी पूरी अच्छी स्थिति बनी हुई है। व्यापार में आपको मुनाफा बहुत अधिक हो सकता है इस महीने। यदि आप कोई नई रणनीति तैयार करते हैं या फिर कोई नई तकनीकी सीखना चाहते हैं इस महीने में, तो वह आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। इस महीने आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, व्यापार का आपका एनहेंस हो सकता है इस महीने में। सूर्य के स्वयं राशि में स्थित होने से माता से भी आपके अच्छे संबंध इस महीने रहेंगे। जीवन की सारी सुख सुविधाएं इस महीने आपको मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। 16 सितंबर तक सूर्य चौथे भाव में रहेंगे, उसके बाद 17 सितंबर को वह पंचम भाव में चले जाएंगे। तो इस समय जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने वाले जातक हैं, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। उनके सक्सेस के पूरे योग बन रहे हैं। आप मेहनत करिए, अपना 100% एफर्ट करिए, तो आपको सक्सेस अवश्य मिल जाएगी। यदि आपके कोई सरकारी कार्य रुके हुए हैं, यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का कार्य चल रहा है, उसमें बहुत लंबा समय हो गया है, उसके फैसला नहीं आ रहा है, तो इस समय आपके उसके पक्ष के फैसले आने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह आपके तीसरे हाउस में रहेंगे 1 सितंबर को। 2 सितंबर को वह पंचम भाव में चले जाएंगे और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो यह समय आपका भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। आपकी किस्मत इस समय बहुत अधिक चमकने वाली है। आपके जो भी रुके हुए कार्य है इस समय महीने में पूरे होने के योग रहे हैं, योग बन रहे हैं। यदि आप बुध ग्रह से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, अर्थात वाणी से रिलेटेड यदि कोई भी कार्य करते हैं, या फिर आप बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपकी किस्मत इस समय बहुत अधिक चमकने वाली है। व्यापार में आपको बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बुध का प्रबल होना व्यापार में उन्नति दर्शाता है। दोस्तों, सूर्य और बुध आदित्य योग से इस महीने आपको बहुत अधिक लाभ होने जा रहा है। 17 सितंबर तक पंचम भाव में रहेंगे बुध, उसके बाद 18 सितंबर को वह अपनी स्वयं राशि हो जाएंगे, अर्थात पंचम भाव में चले जाएंगे। और छठे भाव में बुध उच्च के हो जाते हैं और इससे भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। यदि आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। दोस्तों, आप अपनी बुद्धि और वाणी से बहुत अधिक दूसरों का मन मोह लेंगे और आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, आपकी वाक चतुरता से वे पूरे हो जाएंगे। इस समय आपके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। यदि हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और हमारा कार्य करने में मन लगता है, तो उसका 100% रिजल्ट हमें अवश्य मिलता है। तो आपका कार्य करने में मन लगेगा, आपको मानसिक अशांतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको व्यापार में भी उन्नति होगी। और जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, या फिर जो जातक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी पढ़ाई में बहुत अधिक मन लगेगा, उनको भी सक्सेस मिलने के पूरे योग इस समय बन रहे हैं। दोस्तों,
अब मैं बात करती हूँ शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आपके छठे भाव में स्थित है, अपनी स्वयं राशि में स्थित है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाती है। शुक्र ग्रह आपके लग्नेश है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शुक्र ग्रह योग कारक है तो इस समय आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक सुख में गुजर सकता है। लेकिन यदि शुक्र ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत मारक ग्रह है तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह आ सकती है। आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखेंगे और अपने अहम को त्याग करेंगे तो आपके रिश्ते में भी सुधार हो सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल सिद्ध होने जा रहा है। आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इस महीने फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन बशर्ते कि शुक्र आपकी जन्म पत्रिका के अंदर योग कारक ग्रह होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। यदि वह मारक होगा तो उसको छठे भाव का परिणाम मिलेगा, अर्थात उनके रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है। शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है दोस्तों। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र उनका स्वयं लग्नेश होता है। यदि लग्नेश ही हमारे जन्म पत्रिका के अंदर पीड़ित अवस्था में हो जाता है तो फिर हमारे जीवन में हमें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपको शुक्र को पॉजिटिव करना है तो आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। मैंने सभी राशियों के अचूक मंत्र मेरे वीडियोस में बता रखे हैं, तो आप उन्हें देखकर जान सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने रिश्तों में कड़वाहट देखते हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशनुमा नहीं है, कलह होती रहती है, तो फिर यदि आप शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो उससे आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। और यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित है तो भी आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में स्थित है और शुक्र के साथ युति करके वे शंख नामक राजयोग बना रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। विद्या की दृष्टि से यह बहुत अधिक अच्छा है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में सक्सेस मिल सकती है, लेकिन छोटी मोटी शिकायतें आपको हो सकती है, छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है। उससे घबराएं नहीं, आप जीवन में डटकर उनका सामना करेंगे तो आपके लिए जीवन के लिए अच्छा है। जो जातक अपने शादी के सपने संजोए हुए हैं उन्हें थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। जब गुरु का वृश्चिक राशि में गोचर होगा तो आपकी शादी के पूरे पूरे योग बनेंगे। गुरु आपके अभी छठे भाव में स्थित है, इसलिए आपकी शादी में अभी थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन घबराए नहीं, आपके लिए भी अनुकूल समय आएगा। आप थोड़ा संयम रखें, आपके भी शादी के योग पूरे पूरे बनेंगे। अब मैं बात करती हूँ शनि ग्रह। शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में स्थित है। अभी आपके शनि की अढ़ैया का प्रभाव भी है, आपको मानसिक अशांतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट हो सकती है, सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के लिए बेटर रहेगा। और आप शनि से रिलेटेड छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं मेरे वीडियोस में देखकर, तो उससे भी आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी। अब मैं बात करती हूँ मंगल। मंगल आपकी उच्च राशि में स्थित है। जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में स्थित होता है तो उसके पॉजिटिव परिणाम हमारे जीवन में अवश्य मिलते हैं, लेकिन केतु के साथ युति बनाने के कारण अंगारक दोष बन रहा है, तो आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आप हर परिस्थितियों में अनुकूल रहेंगे और आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आप निजात पाएंगे। भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है, पराक्रम में आपकी बढ़ोतरी होगी। आप हर कार्य को मन लगाकर करेंगे तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। विदेश यात्राओं का योग भी इस समय बन रहे हैं, वह आप व्यापार की दृष्टि से भी गमन कर सकते हैं या फिर आप घूमने फिरने के इरादे से भी विदेश जा सकते हैं। इस महीने आपके पूरे योग बन रहे हैं। पिता से भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। इस समय आपको पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे योग बन रहे हैं इस समय। अब मैं आपको कुछ ऐसी अशुभ तिथियां बताने जा रही हूँ, यदि आप वाहन थोड़ा संभल कर अब मैं आपको कुछ ऐसी अशुभ तिथियां बताने जा रही हूँ यदि आप थोड़ा वाहन संभल कर चलाएंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और व्यापार में भी थोड़ा सतर्क रहेंगे तो आपके जीवन के लिए सितंबर महीना भी खुशनुमा गुजरेगा। दोस्तों, 7, 8, 17, 18 और 27 ऐसी अशुभ तिथियां हैं जिन पर आप थोड़ा संभल कर रहेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी विशेष तिथियां बता रही हूँ जो कि आपके लिए शुभदायक रहेगी। यदि आप अपने व्यापार के लिए या फिर अपने घर के लिए कुछ अच्छा सामान खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं 2, 3, 6, 10, 11, 12,
13 और 20 ऐसी तिथियां हैं जिन पर आप कोई विशेष सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। यह आपके लिए शुभ तिथियां है। ये दोनों तिथियां चंद्रमा की स्थिति के अनुसार मैंने आपको बताई है। अब सितंबर माह में कौन से ऐसे पर्व आ रहे हैं दोस्तों? 3 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे वर्ष में ये बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो इस दिन यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं यानी कि उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उपवास भी रखते हैं तो उसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा दोस्तों। 6 तारीख को बछवारस के नाम से पर्व है। इस दिन गौ की सेवा करनी चाहिए। गौ को हरा चारा खिलाएंगे, आप गौशाला में दान दक्षिणा देंगे अपनी श्रद्धा अनुसार तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। 13 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, अर्थात गणेश जी का आगमन होने जा रहा है, गणपति जी के दिन आने जा रहे हैं दोस्तों। 13 तारीख से 23 दिसंबर तक गणपति बप्पा के दिन रहेंगे। यदि आप अपने घर पर गणेश जी को विराजित करते हैं और 23 तारीख को उनका विसर्जन करते हैं और पूरी विधि विधान से इन दिनों में पूजा अर्चना करते हैं तो गणेश जी से मांगा हुआ कोई भी इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। 25 सितंबर से श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात श्राद्ध पर्व स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने पितरों का तर्पण करें, उनका ध्यान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। ये थी छोटी सी जानकारी सितंबर महीना में वृषभ राशि वाले जातकों का किस तरीके का गुजरेगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बेटर से बेटर ला सकूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।